Hey guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another vlog. मेरे साथ है मिस्टर मनीष राय और हम जा रहे हैं ऑटो एक्सपो गुड़गांव नहीं ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो 2023. लास्ट ईयर भी हम ऑटो एक्सपो गए थे एंड लास्ट ईयर हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में ही होटल लिया था और वहीं से ऑटो एक्सपो निपटा लिया था. बट अभी हम लोग हैं फिलहाल अपन है कुंडली मानेसर हाईवे पे. अपन चल रहे हैं बहुत ज्यादा लेट इसीलिए अपने को घीची पड़ रही है गाड़ी. फिलहाल फटाफट पहुंचते हैं एक्सपो सेंटर में दिखाते हैं आगे का व्यू. सो फाइनली गाड़ी पार्क करने के बाद अपन लोग बैठ गए हैं ऑटो में. ऑटो वाले भैया मांगे हमसे 100 रुपए 1 किलोमीटर के और ये रहे नार मनीष. ये रेट जो है वो इनोवा से भी पहुंचा गेट नंबर 9 और वहां पे लेने पासेस ऑफ से करनी है एंट्री. तो फाइनली अपन लोग की एंट्री हो चुकी है उसमें ही बड़ा चोचले हुए हैं. पहले हम पहुंचे गेट नंबर 12 पे. तो लेट्स गो इन पहले देखते हैं थोड़ा सा इनिशियल जो हमको अपडेट मिला वो मिला कि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं बट लेट्स गो इन सी उसके बाद देखते हैं. सो फिलहाल 10 साल से आई एम वर्किंग विद अ कंपनी विच इज लाइक वर्किंग फॉर ग्रीन एनवायरनमेंट क्लीन एनवायरनमेंट एंड जो शुरू करेंगे हम वो शुरू करेंगे क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट इनिशिएटिव विच इज एथेनॉल. तो बेसिकली यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो सारी जो है वो यूज करेंगी एथेनॉल एज अ फ्यूल. इसमें अगर आप देखोगे अपाचे RTR करोला ऑल्टिस देन अपाचे RTR अगेन फ्रेजर यामाहा तो ये सारी जो अब टेक्नोलॉजीज आ रही है बेसिकली ये देखो होंडा एक सारी तो देखे हो तो नाउ एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरीथिंग इज गेटिंग मोर इनटू लाइक क्लीन फ्यूल ग्रीन फ्यूल. तो उसी के अंदर ये सारी गाड़ियां अब एथेनॉल पे काम करने लग गई हैं. तो ये है फिलहाल ह्युंडई की आइकॉनिक एंड लुक एट दीज अलॉय व्हील्स क्या मस्त लग रहे हैं यार कितने प्यारे ये अलॉय व्हील्स अपने को अभी मिलने लग जाए एंड ये इसका रियर ग्रिल सेक्सी लग रहा है यार. नाइस नाइस दिस इज यार इलेक्ट्रिक कार्स का जो डिजाइन कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही प्यारा है. मतलब लाइक अगर आप इसका डिजाइन देखो इसका डिजाइन कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है. बट अगेन प्रॉब्लम वही आ जाती है कि यार एग्जॉस्ट नोट कहाँ से आएगा एंड सी द इंटीरियर्स कितना नीट एंड क्लीन है और एक हमारी गाड़ी का इंटीरियर होता है भरा भरा बिल्कुल क्योंकि सब कुछ इसी में डिस्प्ले हो जाएगा. तो आपको चाहिए क्या क्या चाहिए आपको. तो गाइस अभी हम बात कर रहे थे डिजाइन की और ये देखो आइकॉनिक चेक दिस आउट. मतलब एक होता है ना कि हेड पैन स्पोर्ट्स लुक फील देख रहे हो प्रियली के इसमें टायर्स लगे हुए हैं. बट जस्ट लुक एट दिस मतलब जो चीज मुझे सबसे बेस्ट लग रही है इलेक्ट्रिक कार्स की वो है उनका डिजाइन कॉन्सेप्ट. मतलब डिजाइन इतना प्यारा है इन गाड़ियों का कि आप बोर बता नहीं सकते. चेक दिस आउट एंड सबसे बेस्ट पार्ट है इसके देखो हेडलैम्प्स अलॉय व्हील्स एंड इंटीरियर्स इसको इतना नीट एंड क्लीन दिख रहा है. ये जो सिटी देख रहे हो ना आप ये है फ्यूचर. मतलब कोई ट्रैफिक नहीं क्योंकि दुनिया उड़ रही होगी हवा में. देख रहे हो अभी हमारे पास फ्लाइंग ड्रोन्स आने वाले हैं हमारे पास ह्यूमन ड्रोन्स आने वाले हैं. तो जब आप हवा में उड़ रहे होगे तो जाम लगा करेगा आसमान में इंस्टेड ऑफ धरती पे. सो गाइस ये देखो ये है हमारे लोकल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट वीर. ये गाड़ी इज स्पेशली फॉर डिफेंस टायर्स चेक दिस आउट C8K एंड सी जो हम एंजॉय करते हैं मिसुजी में. चेक दिस आउट कितना मस्त लग रहा है या और ये कैमोफ्लेज डिजाइन जो है हम अपनी गाड़ी में क्यों नहीं करवा सकते. कितना मस्त लग रहा है ओपन सीटिंग बकेट सीट्स बढ़िया से. अरे देखो एंड इस टाइप की ट्रेन पे चलने के लिए ये गाड़ी फुल्ली रेडी है. चेक दिस आउट ये इसका फ्रंट इनबिल्ट विंच ऊपर सेंसर्स रडार्स एंड डिजाइन. तो फिलहाल ये है BYD एटो 3 एंड सेम देखो यार कलर स्कीम अलॉयज डिजाइन चेक दिस आउट रेफरेंस कितना सेक्सी है यार.
मतलब मुझे मुझे एक्चुअली में जब भी मैं इलेक्ट्रिक कार देख रहा हूँ ना, और वो किसी भी ब्रांड की भी देख रहा हूँ, तो मुझे देखते ही जो सबसे ज्यादा मोहब्बत हो रही है वो हो रही है उनके डिजाइन से। इतना प्यारा डिजाइन, इतने प्यारे लुक, और अंदर अगर इंटीरियर देखा जाए इतना क्लीन है। मतलब ये चीज मुझे समझ में आ रही ना, वही समझ में आ रही है जो हमारे कार साफ करने वाले होते हैं ना, नीचे कंसोल पैनल देखो यार, बिल्कुल एयर टाइप, एयर मतलब अपना फ्लाइट टाइप का जो होता है, जो हमारी गाड़ी साफ करने वाले हो ना, उनके मजे है भाई। सिर्फ एक कपड़ा मारना है पूरी गाड़ी का इंटीरियर चमक जाएगा। अभी ये बटन, वो बटन, यहाँ पे नॉब, वहां पे नॉब, बट चेक दिस आउट। पता गाइस, द बेस्ट पार्ट अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज कि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो लॉन्चिंग चल रही है, इसमें वो ब्रांड्स आ चुके हैं जिसका नाम आपने कभी मेरे ख्याल से सुना भी नहीं होगा। ये नेवियो, ये लोगों मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं है, बट दिस ब्रांड इज नेवियो, बट चेक दिस आउट। सो सॉर्ट ऑफ जो हमारी पे कमर्शियल व्हीकल्स हैं उस टाइप के कॉन्सेप्ट बना बना के, एंड बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अपने ईवी के फील्ड में आ चुके हैं। जब अगर इंटरेस्ट की बात करें तो एक कार है जो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है, वो है हमारी बी वाई डी सी। मैं चेक दिस आउट, इस गाड़ी का कलर, इस गाड़ी की डिज़ाइनिंग, थोड़ी सी बढ़िया एंट्री मिल गई है अपने को। तो फिलहाल अगर हम बात कर रहे थे सील की, हाँ चेक दिस आउट, इस गाड़ी की अब डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग देखोगे ना अगर आप, इतनी प्यारी है यार। मतलब एस्टन मार्टिन की अगर हम बात करें, आई नो कंपैरिजन थोड़ा सा खतरनाक हो रहा है, बट यार आप ये देख रहे हो फ्रेंड्स, रेयर, थोड़ी सी चाइनीज बैजिंग, बट चेक दिस आउट, एंड ऑल्सो जिसके फैंस हैं वो देखो। तो मुझे मुझे जो सबसे बेस्ट लग रहा है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो यही है यार कि इसकी स्टाइलिंग, इसके डिज़ाइन एंड इसके कलर्स, कलर्स इसमें इतने प्यारे आ रहे हैं, एंड ऑल्सो इंटीरियर्स। ये फिलहाल लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो देख सकते हो, ये हमारा फ्रंट हो गया। तो अगर हम बात करें चेसी की, फ्रेम की, हमने लेदर फ्रेम, ये फ्रेम, वो फ्रेम, कितना कुछ सुना है। एंड अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर चेसी खोल के अपनी क्या कहते हैं अपनी पेट्रोल लेडीज गाड़ी की, कितनी कॉम्प्लेक्स सी चेसी होती है, कितना कुछ उसके अंदर होता है, और सी दिस, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोटर और सिर्फ बैटरी रखने की जगह, मोटर और कहानी खत्म। तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक ऑल अबाउट। तो गाइस अभी हम बात कर रहे थे BYD के बारे में, तो हमने बात करी एक्सपीरियंस के बारे में। दिस इज बिल्ड योर ड्रीम, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ BYD। अब हम चलते हैं अंदर, क्योंकि अपने पास है चाबियां, लेट्स गो इन। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर से सीन। अब देखो अभी फिलहाल अगर हम अंदर की बात करें, तो दिस इज द स्टीयरिंग व्हील, और ये सामने एक छोटी सी स्क्रीन जिसमें आपको लाइक जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आप इसमें देख सकते हो। देन आता है हमारा मेन स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन जिसमें आप सारे अपने जो भी आपके जो भी गाड़ियों के बारे में डिटेल्स हैं, जो भी आपको सेटिंग्स करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब सबसे बढ़िया पार्ट है जो मुझे इसमें मतलब बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, बहुत ही लाइक मैं कहूँगा बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा लाइक होता है ना कि मतलब कुछ डिफरेंट है, वो ये सारा पूरा कंसोल है एंड दिस कंसोल। अब अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो दिस इज द ग्रैब हैंडल, इसको आप खोलो बाहर से, अंदर से बाहर निकलने के लिए। स्पीकर्स बहुत है यहाँ पर, स्पीकर है यहाँ पर, थोड़ा सा आउट लग रहा है बट लग अच्छा रहा है। एनीवेज ये इसका हैंडल हो गया, एंड यहाँ पर जो आप ये स्ट्रिंग्स देख रहे हो, तो अगर हम स्ट्रिंग्स की बात करें, तो जो मुझे समझ में आ रहा है फिलहाल, मुझे ये लग रहा है कि यार ये होता ना कि आपने कुछ भी सामान रखा तो दैट कैन बी ईजिली फिट इन दिस, उसको होल्ड करने के लिए भी अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करें अब स्ट्रिंग्स की, अब देखो जो हमने अभी तक देखते हुए हैं अपनी नॉर्मल पेट्रोल डीजल व्हीकल्स में, इसका नॉब देखो, ये इसकी जो डिजाइनिंग है ना वो आप देखो कितनी डिफरेंट है, लाइक नॉट अ रेगुलर डिजाइन, बट चेक दिस आउट। उसके बाद अगर हम बात करें गियर नॉब के बारे में, तो इट इज लाइक कॉकपिट इंस्पायर्ड कंसोल मैं कहूंगा। यहाँ पर आपका है अनलॉक, तो जैसे होता है ना कभी आपने गलती से लेफ्ट राइट कर दिया, तो ये वैसे काम नहीं करेगा अनटिल अनलेस आपने इसको अनलॉक ना किया। तो यहाँ पर आप इसको अनलॉक करोगे, देन आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें, दिस इज द पार्ट जहाँ पर आपका वायरलेस चार्जिंग होता है, आपका वायरलेस, आपका जो भी फोन है अगर वो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो आप उसको यहाँ पर रख सकते हैं। इसका जो दूसरी चार्जिंग जो जगह है वो है यहाँ पर नीचे, तो अगर आपके पास वायर वाला फोन है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पर सारे हमारे पास पोर्ट्स हैं। देन एक और खतरनाक चीज दिखाता हूँ, वो आपका ग्लव बॉक्स, चेक दिस आउट, ये मेरा हाथ है,
ऑलमोस्ट आधा अंदर जा चुका है, काफी भयंकर स्पेस है यहाँ पर हमारे पास, एंड कप होल्डर्स बाहर है। सेम साइड में ये इसका ग्लव बॉक्स हो गया, देन एक और बढ़िया चीज है इसकी, ये चेक दिस आउट, देख रहे हो आप, शीशा खोलो सामने लाइट जी जाती है, शीशा बंद करो ये बंद हो जाता है। दिस इज द इंटीरियर ऑफ BYD, और हाँ ये जो स्क्रीन है ये रोटेट भी जाती है जब आप इसको ऑन करोगे तब। सीट बकेट सीट टाइप की स्पोर्ट लाइक स्पोर्ट सीट कह सकते हो आप इसको, एंड काफी काफी स्पेशियस है। मेरे पास अच्छी खासी लेग रूम है पैर के लिए, एंड सर की हेड रूम थोड़ा सा कम है बट, और पीछे की अगर हम स्पेस की बात करें तो यहाँ पे भी काफी स्पेशियस है। तो चलते हैं, निकलते हैं बाहर, निकालते हैं अपना सामान एंड करते हैं बाय बाय BYD को, और मिलते हैं अगली किसी कार के पास। सो गाइस, एक्सपो के बाहर खड़ी हुई एक बड़ी मस्ती कॉन्सेप्ट कार, एंड चेक दिस आउट, एग्जॉस्ट की पोजीशनिंग देखो कितनी सेक्सी है, एंड डिजाइनिंग भी इसकी बहुत प्यारी है, नॉट बैड, बट अभी बेचारी बाहर खड़ी हुई है एक्सपो के, मे बी इन कमिंग फ्यू डेज मंथ्स मे बी, एंड ये जिस हिसाब से डिजाइन बनाया है बहुत ही प्यारा डिजाइन है यार, चेक दिस आउट। तो एक दिन इसको एक्सपो के अंदर जरूर जगह मिलेगी, एंड ये इसका इंटीरियर। सो गाइस फाइनली बात करें द मोस्ट अवेटेड कार और मे बी ऑफ रोडर जिमनी के बारे में, चेक दिस आउट। मतलब अगर आप फोटो में देखोगे तो सॉर्ट ऑफ टॉय कार लग रही थी, बट अगर आप उसको इन रियलिटी देखोगे तो काफी बोल्ड लग रही है काफी, बट थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, वो लग रहा है जिसका ये ब्राउन साइड में वाइजर दे रखा है, बट अगर आप ये देखोगे ना इसका यहाँ पे विंडोज देखो जो इनने स्टील की पेटी दे रखी है, सामने से अगर आप उसको देखोगे तो ये काफी 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 आपको बोल्ड लग रही है, तो मुझे बहुत ही वेयर लग रहे थे फोटो में भी और सामने भी, वो इसके ये टेल लैंप्स बहुत ही आउटडेटेड टाइप के लग रहे हैं, अंदर आप देखोगे बल्ब लगे हुए, तो ये अगर थोड़ा सा LED उसमें होते जो कि आजकल एक ट्रेंडिंग है तो काफी अच्छा लगता, बट ओवरऑल प्रोफाइल अगर इसके जिमनी की देखोगे बहुत प्यारी लग रही है यार, मतलब मुझे एक्चुअली फोटो में देख के बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, बट अगर मैं इसको रियलिटी में बात करूँ अलॉयज देखो तो काफी काफी अच्छी लग रही है, स्पेशली जिन्हें प्लेट्स डाल रखी है यहाँ पर कॉर्नर्स पे वो काफी काफी अट्रैक्टिव है। देखो एक चीज मैं आपको इसमें ऐड करके बताता हूँ, लोग बात कर रहे हैं जिमनी 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 के बारे में, बट जो जिमनी के ये जो पैनल्स आप देख रहे हो ना, बेसिकली देखने में लगता है कि स्टील पैनल्स हैं, यहाँ पर भी दे रखा है, सब प्लास्टिक है, सब प्लास्टिक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है मारुति के साथ, रीजन बीइंग कि यार गाड़ी आप इतनी स्टर्डी देखोगे, अगर आप देखोगे ना गाड़ी को ओवरऑल आपको लगेगा बहुत ही स्टर्डी गाड़ी है, बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि जो पास्ट पार्ट्स हैं वो इतने प्लास्टिक पार्ट्स हैं, और फिर उसी से क्या होगा कि आपकी गाड़ी एवरेज निकालेगी, आपकी गाड़ी परफॉर्मेंस देगी, एंड आपको लगेगा कि वाओ 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 मारुति, but this is wrong, safety is priority and safety should be priority, Maruti I don't know, samajh nahi rahi cheez ko, but theek hai let it be, aur again same cheez ye dekho, to next time baat karte hain Maruti Suzuki ki Phoenix, ye basically apna Baleno ka crossover aa raha hai, piche se iski agar aap lights ki baat karoge light piche se bahut pyari lag rahi hai, bahut zyada pyari lag rahi hai light, matlab agar आप कटिंग्स देखोगे लाइट्स की, कटिंग्स देखोगे आप उसकी DRL देखोगे, बहुत एक्चुअली में बहुत ज़्यादा प्यारा है, बट उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं टायर्स मस्त लग रहे हैं नो डाउट, फिर अगर हम आगे चलते हैं और इसके हम इंटीरियर्स की बात करते हैं तो लेट्स चेक इट आउट। अब देखो यही फ़र्क आता है हमारे पेट्रोल और डीजल गाड़ी के जो इंटीरियर्स हैं और जो हमारे इलेक्ट्रिक के इंटीरियर्स हैं, इतने सारे नॉब, इतने सारे बटन्स, एंड अपने इलेक्ट्रिक में कुछ भी नहीं, सब नीट एंड क्लीन। तो फिलहाल अब दिखाता हूँ मैं इसके आपको फ्रंट प्रोफाइल, तो ये है बेसिकली इसका फ्रंट जिसके DRLs बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ये DRLs बेसिकली हमने विटारा में भी देखे थे, विटारा में भी ऑलमोस्ट सेम टाइप के DRLs आ रहे हैं, और इसका भी फ्रंट बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बट हाँ अगर मैं इसकी डिज़ाइनिंग की बात करूँ, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है इसकी, बट आई डोंट नो, मुझे फिर ये बात आती है मारुति पे मुझे वो ट्रस्ट नहीं आता, क्योंकि जो इसके फीचर्स होते हैं ना, फीचर्स नो डाउट बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, आपको फंक्शनैलिटीज बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, परफॉर्मेंस एवरेज सब मिल जाएगा, बट क्वालिटी अगेन सॉरी आई टेक पे, एंड हम बात करेंगे अब हाइलक्स की, तो यहाँ पर इन्हें डिस्प्ले पे लगा रखा है हाइलक्स का एक पूरा ऑफ रोड मॉन्स्टर, और अगर आप इसको देखोगे एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा मैसेज लग रहा है, बट प्रॉब्लम अगेन द सेम, अगर आप इसका किट देते हो मार्केट में और अगर हम लगाते हैं बम्पर या हम लगाते हैं स्टॉकल, स्टॉकल में तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बट अगर हम लगाते हैं रूफ लाइट्स या हम लगाते हैं फ्रंट लाइट्स तो पुलिस मारेगी चलान, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, बट अगर आप देखा जाए पीछे लगा रखा है शॉवल
यहाँ पर देखो शॉवर लगा रखा है, पीछे टायर लगा रखा है, ऊपर अपना फ्यूल फ्यूल के लिए एक्स्ट्रा मतलब क्या कहते हैं उसको बॉटल रखी हुई है। बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। आगे विंच लगा रखा है। तो यार एक प्रॉपर जो मतलब हम लोग जो सोचते थे कि सूजी को बनाएंगे तो उस टाइप से एक प्रॉपर माउंटेड रखेंगे यहाँ पे, आपको लगा के दिखा रखा है। अब जो शौकीन लोग हैं जो एफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों ने तो बना रखी है अपनी वी कॉस। ऐसे मेरे ग्रुप में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन लोगों ने मॉन्स्टर हाइलक्स ट्रक बना रखा है, बट अगर आप इसको देखोगे बहुत सारा मैसेज लग रहा है। हाँ पहुंच चुके हैं लेक्सस में, एंड लेक्सस का मैं ऑनलाइन जब चेक कर रहा था जो मैं व्हीकल्स देख रहा था यार इतनी प्यारी लग रही थी, और सामने से देखना उनको और भी ज़्यादा सुंदर है। जस्ट लुक एट देम, देखो पीछे की जो उनकी टेल की ग्रिल है लाइट है, और जो इसका साइड प्रोफाइल है, जस्ट लुक एट दिस कितनी प्यारी लग रही है यार। एंड ये गाड़ी जब रोड पे निकलती है यार, लाइक सामने से दिखाता हूँ, देखो जब ये गाड़ी रोड पे आएंगी तो यार देखो एक अलग ही एक्सपीरियंस, एक अलग ही वाइब रोड पे। देख रहे हो कितना फ्रंट कितना मैसिव लग रहा है। अब कहने को सारी इलेक्ट्रिक है ठीक है, लाइटनिंग से लेकर ग्रिल्स देखो कितनी प्यारी है, बट जस्ट लुक एट देम सी मिरर, क्योंकि सारे सेंसर बेस्ड मिरर्स हैं, तो आपको जो भी डिस्प्ले में दिखेगा वो सब अंदर दिखेगा गाड़ी के अंदर। एंड नॉट टू मिस दिस ब्लैक टिंट, अब ये इंडियन रोड पे जब आएंगी तो ये सब ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, क्योंकि अगेन इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड दिस फिन। एंड फाइनली द ब्रांड आई लव द मोस्ट टाटा। अब देखो इसका ट्रक, जान दो पीछे भाई साहब इस ट्रक का साइज देखो यार। तो ये होता है ना कि अगर आपको कहीं जाना है भयंकर ऑफ रोडिंग और पूरा घर लेके आना अपने साथ, तो ये है वो गाड़ी जिसमें पूरा घर हो सकते हो अपना। आप सोच रहे हो अगर आपने गाड़ी खरीद ली और आपने इसके पीछे जो इसका पीछे वाला स्पेस है वहाँ पर पूरा अपना घर बना लिया, तब पूरा एक चलता फिलता भयंकर घर है यार, ये तो भयंकर घर है इसे कहते हैं। मतलब ये है कि कभी कभी अगर आपको लेनी है इसको ले लो, इसमें बनाओ अपना कैंपर वैन, आगे मस्त बैठने का पीछे पूरा खानदान बैठा हुआ है। बहुत ही बड़ा मैसिव ट्रक दिख रहा है यार ये तो, चेक दिस आउट। तो बस अब चलते हैं, बाकी गाड़ियां देखते हैं डाले की कहाँ पर है, इनसे निकलते हैं वहां पर यहाँ से घर वापस। तो वहां पर पूरा कमर्शियल व्हीकल्स का सेक्शन है, एंड देन शुरू होता है टाटा का गेम। सो टाटा का गेम इज ऑल अबाउट लाइक जो भी कार्स आ रही है उनकी, हैरियर, नेक्सॉन, सफारी, पहले वो लॉन्च होती हैं और फिर लॉन्च होती है उनका डार्क एडिशन। अलग से काउंटर बना रखा है जिसमें सिर्फ डार्क एडिशन व्हीकल्स खड़ी हैं, जिसमें आती है अपनी एक हैरियर और दूसरा हमारा आता है सफारी। और इसकी जो डार्क एडिशन है वो एक्चुअली में मुझे बहुत पसंद है यार, मैं इसी का वेट कर रहा था। ये खड़ी है मेरे बगल में हैरियर, और जब ये इसका लॉन्च बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो मैंने ली अपनी सूजी, और जिसके लिए मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट आई ऑल्सो वॉन्ट कि मेरे गैराज में एक हैरियर भी हो, लेट्स सी। अब ये एक छोटा सा क्रॉस ओवर है, बट जस्ट लुक एट दिस, अगर इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो ऐसा लगता है कि BMW X6 का लाइट वर्जन है, बट अगेन अगर मैं टाटा की उससे बात करूँ तो बहुत प्यारा डिज़ाइन है इसका यार। मतलब एक होता है ना कि छोटी सी SUV जो थोड़ी स्पोर्टियर हो, दिस इज व्हाट कर्व इज, फुल कर्व, हर डायमेंशन आप देखोगे, बट बहुत प्यारा लुक इसका। मतलब रोड प्रेजेंस आई एम श्योर कि बहुत अच्छी रहेगी, एंड टाटा की बेस्ट पार्ट अभी ये जो इनका डिज़ाइन कॉन्सेप्ट चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, चाहे आप नेक्सॉन उठा के देखो, चाहे आप सफारी उठा के देखो, चाहे हैरियर उठा के देखो। सो जस्ट लुक एट दिस। थोड़ा सा अगर मैं साइड से बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इन्हें ब्लैक क्लैडिंग दे रखी है विद टायर्स वो थोड़े ज़्यादा ऑकवर्ड से लग रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो प्यारी है, कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस इज कर्वी फॉर यू, तो वहाँ पे खड़ी है कर्वी, देन खड़ी है यहाँ पर सियारा, और फिर खड़ी है हैरियर ईवी। बहुत ही प्लेन एंड ब्लैंक रिस्पॉन्स, आई डोंट नो व्हाई टाटा व्हाई क्यों इतना सादा एंड फीका रखा हुआ है उस गाड़ी को, तीनों गाड़ियों को इनफैक्ट। बट चेक दिस आउट, दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही सेक्सी लग रहा है। मतलब अभी तक मैं जितने देख के आना गाड़ियाँ ईवी कॉन्सेप्ट जो थी, लेक्सस के अलावा अगर मैं इसकी बात करूँ बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी।
मतलब ना तो ये ऐसे सेडान लग रही है, ना ये ऐसे आपकी कॉम्पैक्ट एसयूवी लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे ये सेडान बढ़ने की कोशिश कर रही थी और बीच में से उड़ा दिया गया है। सो जस्ट आई डोंट नो बट बहुत ही प्यारा डिजाइन लग रहा है, बहुत फ्रंट एंड देखो इसका रियर देखो, टाटा की ब्रांडिंग भी करी है वो इतनी प्यारी तरीके से कर रखी है, मतलब बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। तो फिलहाल एक्सपो से बाहर निकलने के बाद अपन आगे रुके हैं तेरे मुंह काला पे लक्ष्मी चाट भंडार कुछ खाते हैं, गोलगप्पे और टिक्की, अब फिर उठाते हैं सूजियां निकलते हैं घर।